उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से ओनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां झूठी शान के लिए एक लड़के के परिजनों ने प्रेमी और प्रेमिका को कमरे में बंद कर दिया और उन्हें जिंदा जला दिया। आग में बुरी तरह से झुलसने से प्रेमी और प्रेमिका दोनों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिवार के 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। यह पूरा मामला बांदा जिले के मठोंद थाना क्षेत्र के करछा गांव का है। बताया जा रहा है कि भोला नाम के लड़के के साथ गांव की युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि युवती ने बुधवार को भोला को मिलने के लिए अपने घर बुलाया था। इसी की भनक प्रेमिका के परिजनों को लग गई। आक्रोशित परिजनों ने दोनों की जमकर पिटाई की और कुल्हाड़ी से हमला किया। इसके बाद गुस्साए लड़की के घर वालों ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी, जिससे प्रेमी और प्रेमिका बुरी तरह से झुलस गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंच गई। किसी तरह से आग बुझाने के बाद पुलिस दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन बुरी तरह से जल चुके प्रेमी जोड़े में पहले प्रेमी और फिर उसके बाद प्रेमिका ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसी मामले में लड़की के घर वालों समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी देर रात कर ली गई। जिला अस्पताल में देर रात पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। खुद DIG SP DM समेत भारी कई पुलिस अफसर जिला अस्पताल में मौजूद रहे। वहीं DIG के सत्यनारायण ने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसी से आग बबूला लड़की के परिजनों ने उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया। वहीं लड़के के पिता ने बताया कि लड़के को धोखे से बुलाकर ऐसा किया गया है। और लड़की को तुरंत कानपुर हॉस्पिटल भेजा गया था और लड़का को भी हॉस्पिटल ले जाते समय वहीं घर से बाहर निकला, तब तक उसका मृत्यु हो चुकी है। तो लड़की कानपुर जाने के बाद वहां उनका मृत्यु हुई है। तो ये दोनों का पोस्टमार्टम आज रात को ही कराया जा रहा है। अभी DM साहब से मेरा बात हुई, मेरे साथ में ही है और कप्तान साहब भी साथ में है। तो ये बात हुई है, अभी रात को ही इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। सर, कितने लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? अभी जो है 9 आदमी के खिलाफ FIR दर्ज हुई, उसमें 2 के खिलाफ कार्रवाई मतलब गिरफ्तारी हो चुका है और शेष अभियुक्तों का भी अभी टीमें भेजी गई है, रात को का ज़्यादातर गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.